दोस्तों प्रभास एक ऐसे एक्टर है जो आज काफी ज्यादा छाए हुए हैं बाहुबली सीरीज के बाद। राधे श्याम के सफलता के बाद प्रभास की आदि पुरुष रिलीज होगी, लेकिन ये फिल्म टकराने वाली है शाहरुख खान और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान से। जी हाँ दोस्तों, ये क्लैश होने वाला है 2023 की शुरुआत में, जहाँ पे शाहरुख खान पठान को लेके आने वाले हैं जनवरी के सेकेंड वीक में, तो वहीं पोंगल मकर संक्रांति के आसपास दोस्तों आदि पुरुष भी रिलीज की जाने वाली है। दोनों ही फिल्में काफी अवेटेड है, जहां शाहरुख खान लगातार फ्लॉप होने के बाद पठान के द्वारा बॉलीवुड में एक मास कमबैक करना चाहते हैं। वहीं प्रभास की भी पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल कर नहीं पाई है, चाहे वो राधे श्याम हो या साहो। ऐसे में पठान शाहरुख खान के लिए और प्रभास के लिए आदि पुरुष दोनों ही काफी बड़ी फिल्में हैं। अब जिस प्रकार से प्रभास की फैन फॉलोइंग चल रही है और साउथ मूवीज का क्रेज चल रहा है, माना जा सकता है कि यहाँ पे आदि पुरुष का जो पलड़ा है भारी रह सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान की जो पठान है उसका बस काफी हाई बना हुआ है, और बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की ये फिल्म नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है और YRF ने इस फिल्म को बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी दिए हैं। फिल्म के अंदर एक्शन का डबल डोज होने वाला है, जहां पे जॉन अब्राहम भी हमें नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि डबल डोज सिर्फ पठान के पास है, क्योंकि आदि पुरुष के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे हमें नजर आएंगे प्रभास के अलावा सैफ अली खान, जो कि फिल्म के अंदर चार चांद लगाते हुए नजर आएंगे। आपके हिसाब से कौन सा क्लैश यहाँ पे जीत जाएगा, शाहरुख खान या फिर प्रभास, आदि पुरुष या पठान? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि ये टक्कर है बॉलीवुड वर्सेज टॉलीवुड की।